हेलो साथियों, नमस्कार। एके ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं जय आप लोगों के बीच साथियों टीजीटी पीजीटी आर्ट यानी कला से संबंधित साथियों महत्वपूर्ण वीडियो पे प्रश्न लेके आया हूँ। ये जो प्रश्न है साथियों प्रैक्टिस पेपर है, प्रैक्टिस पेपर जो आपका 13 चल रहा था, 13 का ये तीसरा वीडियो होगा, जिसे 13वां प्रैक्टिस पेपर का लास्ट वीडियो होगा। दो में हम लोग चले चल देते हैं, इसमें 45 क्वेश्चन देखते हैं। ठीक, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को आप लाइक करेंगे, दोस्तों के पास शेयर करेंगे, जो नए व्यूवर्स हैं चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब करेंगे। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं साथियों, विलंब ना करते हैं। सबसे पहले जो प्रश्न है आपका वो है, किस कलाकार का संबंध संस्थापना कला या इंस्टॉलेशन से है? रघुराय का, जय स्वामीनाथन का, सुबोध गुप्ता का, गुरुचरण का? तो किसका हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर देखिए। तो यहाँ पे जो राइट आंसर बनेगा वो आपका हो जाएगा सुबोध गुप्ता का। सुबोध गुप्ता का जो संबंध है वो इंस्टॉलेशन कलाकारी से है। हाथी का लाइफ साइज शिल्प, हाथी का लाइफ साइज शिल्प द स्किन स्पीक्स ए लैंग्वेज नॉट इट्स ओन, किसने निर्मित किया? विवान सुंदरम, सुबोध गुप्ता, भारती खेर या अर्पिता सिंह? तो किसके द्वारा बनाया गया था हाथी का लाइफ साइज शिल्प? तो ये बनाया गया था भारती खेर के द्वारा। अगले प्रश्न बढ़ते हैं, आर्सुलर मित्तल आर्बिट स्टेट फोर्ड लंदन में, कहाँ पे है ये साथियों? ये यहाँ से यहाँ तक है, ये लंदन में स्थित है। जो 114.5 मीटर ऊंची मूर्ति थी, प्रिंसिपल टावर है, उसे किसने डिजाइन किया था? ब्रेन कैटला ने, जोनस फ्रुटकेश, फ्राइज ब्रेटले, यानिस कपूर, सुशील बाल मो? तो राइट आंसर यहाँ पे क्या बनेगा आपका साथियों? तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो अनीस कपूर और सुशील बाल मोड हो जाएंगे। प्रसिद्ध मूर्ति शिव सती, प्रसिद्ध ये मूर्ति है शिव और सती कास्ट में, किसका है? श्रीधर महापात्र का, श्री खंडे का, राजीव लोचन का या ललिता कट्टे का? किसका हो जाएगा 84 नंबर? देखिए 84 के यहाँ पे जो प्रसिद्ध मूर्ति है शिव और सती, तो शिव और सती जो बनाया गया था श्रीधर महापात्र के द्वारा बनाया गया था। अभी हाल ही में किस मशहूर भारतीय अमूर्त चित्रकार की एक आयल पेंटिंग शीर्षकहीन जो 39.98 करोड़ रुपए में बिकी? तो किसकी थी ये साथी है शीर्षकहीन में? राम कुमार की है, एस एस राजा की है, बी एस गायतोड़े की या यफीम हुसैन की? यफीम हुसैन की। तो 85 नंबर देखें तो 85 के यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो वी एस गाय तोड़े का हो जाएगा। किसका हो जाएगा? वी एस गाय तोड़े का। हाल ही में किस संस्था संग्रहालय संगठन ने अपना 65वां स्थापना दिवस मनाया? राष्ट्रीय कला संग्रहालय नई दिल्ली, राज्य ललित कला अकादमी लखनऊ, इंडियन सोसाइटी ऑफ डिजिटल आर्ट कोलकाता या प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप मुंबई? किसने मनाया था अपना? राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय ने ही मनाया था। हाल ही में किस संस्था संगठन ने 65वां स्थापना दिवस मनाया? तो राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय ने दिल्ली थी। 16-10 से लेकर 16-20 ईस्वी के मध्य गोलकुंडा में कौन सी सचित्र पोथी तैयार हुई? कहाँ पे? गोलकुंडा में। कब? 1610 से लेकर 1620 में। नजुल मालूम, तारीफ हुसैन शाही, दीवान हाफिज, रजनामा? तो क्या हो जाएगा साथी यहाँ पे? तो यहाँ पे दीवाने हाफिज हो जाएगा। अगला है, पट चित्रण कहाँ की कला है? यहाँ पे है बैठा हुआ मुक्केबाज। बैठा हुआ मुक्केबाज निम्न से किस कला से संबंधित है? ग्रीक से, ग्रेको रोमन से, जर्मन से या ग्रेको एक्सट्रैक्शन से? बैठा हुआ मुक्केबाज, तो बैठा हुआ मुक्केबाज का जो चित्रकारी की जाती है ये ग्रीक कला की है साथियों। कहाँ की है? ग्रीक कला से संबंधित है। पट चित्रण कहाँ की कला है? पट चित्रण कहाँ की कला है? उत्तर प्रदेश, बिहार, गुजरात, उड़ीसा? तो कहाँ की हो जाएगी पट चित्रण? तो पट चित्र जिस कपड़े पर भगवान नाथ का चित्र बनाया जाता है भगवान श्री कृष्ण का, कहाँ से है? तो उड़ीसा से था। सर जे जे स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई के प्रथम प्रिंसिपल कौन है? सर जे जे स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई के प्रथम प्रिंसिपल पूछ रहे हैं, ए बी हैवल, बाबू राव सरलोकर, लॉगबुक किपलिंग, इनमें से कोई नहीं? तो कौन हो जाएंगे साथियों जे जे स्कूल ऑफ मुंबई के प्रथम प्रिंसिपल? तो लॉगबुक किपलिंग थे। कौन थे? लॉगबुक किपलिंग।
किस प्राचीन कला की वास्तु चित्रकला प्रसिद्ध है? किस प्राचीन कला की जो वास्तु चित्रकला है वो प्रसिद्ध है? ग्रीक की, मिस्र की, असीरिया की या चीन की? तो कहाँ की वास्तु चित्रकला प्रसिद्ध है साथियों? तो यह है आपकी ग्रीक की। तो उम्मीद है कि हमारे आंसर बताने से पहले आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना आंसर दे रहे हैं और टोटल 45 क्वेश्चन में से कमेंट करके बताएंगे कि कितना क्वेश्चन आपका सही होता है और किस प्रकार से आपकी तैयारी चल रही है, भी आप बताएंगे ना लेटेक्स से, क्योंकि रिवीजन से ही सफलता निश्चित है साथियों। तो जितना आप रिवीजन के उतनी ही सफलता आपको अपने पास ले जाएगी। लेटेक्स, लेटेक्स का प्रयोग कहाँ किया जाता है? जूट निर्माण में, रबड़ निर्माण में, कैनवास निर्माण में, गोंद के रूप में। तो लेटेक्स, लेटेक्स का जो प्रयोग किया जाता है कहाँ किया जाता है साथियों? तो रबर निर्माण में। किस वेद में चमड़े पर अग्नि के देवता के चित्र का उल्लेख है? अथर्वेद, यजुर्वेद, सामवेद या ऋग्वेद में? ना तो चमड़े पर अग्नि देवता, ना कौन सा वेद है जिसमें चमड़े पर अग्नि देवता का उल्लेख किया गया? तो कौन सा वेद था? तो ऋग्वेद था। सबसे ऊंची बुद्ध की मूर्ति जो 2003 में आतंकियों द्वारा ध्वस्त कर दी गई थी वो कहाँ स्थित थी? काबुल, कुंदुल, बामियान या कांसर? तो सबसे ऊंची बुद्ध की मूर्ति थी जो 2003 में आतंकवादियों द्वारा ध्वस्त कर दी गई थी। तो कहाँ पे थे साथी ये? कहाँ पे थी ये? बामियान में थी। एक ऐसे नेता का नाम बताइए जिसने अपनी जीविका का आरंभ एक कार्टून चित्रकार के रूप में किया था। वो कौन से नेता थे जो अपनी जीविका का आरंभ कार्टून बनाकर किए थे? आर के लक्ष्मण, बाल ठाकरे, पी वी सिंह या आई के गुजरा? तो कौन से साथी है? तो बाल ठाकरे थे। इनमें से एक प्रसिद्ध व्यंग चित्रकार कौन है? प्रसिद्ध व्यंग चित्रकार आपको ढूंढना है बी एन आर्या, मदनलाल नागर, पी सी लिटिल, आर के लक्ष्मण। तो व्यंग चित्रकार इसमें से कौन हो जाएंगे? देखिए आप लोग चारों ऑप्शन को देखिए, पढ़िए अच्छे तरीके से, उसके बाद आंसर आप कमेंट करिए। तो व्यंग चित्रकार, व्यंग चित्रकार है आर के लक्ष्मण जी। रविन्द्रनाथ के चित्रों की पहली प्रदर्शनी कहाँ आयोजित की गई? रविन्द्रनाथ के चित्रों की पहली प्रदर्शनी कहाँ आयोजित की गई? बर्लिन में, पेरिस की गैलरी पिगाले में, कोलकाता की इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल, लंदन की बर्मिंघम आर्ट गैलरी में? न तो रविन्द्रनाथ, बाबा रविन्द्रनाथ जो 67 वर्ष की उम्र में चित्रकारी किए थे, तो इनकी पहली प्रदर्शनी कहाँ आयोजित की गई थी यही पूछ रहा है। तो कहाँ की गई थी साथियों? तो पेरिस की गैलरी पिगाले में, पेरिस में गैलरी का नाम पिगाले था। टेराकोटा के लिए कौन सी जगह प्रसिद्ध है? टेराकोटा के लिए इनमें से कौन सा जगह जो प्रसिद्ध है? मथुरा, बस्तर, गोरखपुर, जौनपुर? तो कौन सी जगह हो जाएगी साथियों? यहाँ पे देखिए तो गोरखपुर था। किस भारतीय चित्रकार को सर्वप्रथम पद्मश्री की उपाधि से अलंकृत किया गया था? या मियां हुसैन, सुधीर रंजन खसगीर, जय स्वामीनाथन या वेंकटप्पा? 99 का देखिए यहाँ पे क्या सही होगा साथियों। किस भारतीय चित्रकार को सर्वप्रथम पद्मश्री, पद्मश्री उपाधि से अलंकृत किया गया था? तो किसे मिला था? तो सुधीर रंजन खसगीर में, इनमें से सुधीर रंजन खसगीर को सबसे पहले मिला था। महान स्फेकिंग अवस्थित है सकारा में, गीजा में, लश्कर में, आंसू आना में? तो महान स्फिंक्स, महान स्फिंक्स कहाँ हो जाएगा साथियों? ये गीजा में स्थित है। कहाँ पे है? गीजा में। मुलेरुज क्या था? मुलेरुज जो है, मुलेरुज क्या है? चित्र है, कला संस्था है, मद्रालय है या नाटक गृह है? तो मुलेरुज क्या था साथियों? तो मुलेरुज को अगर देखा जाए तो ये मद्रालय था ना, जहाँ पे दारू बिकता है या दारू पिया जाता है या शराब ना। कैटे काम, कैटे काम का संबंध किस कला से है? मुस्लिम कला से, ईसाई कला से, बौद्ध कला से या यूनानी कला से? तो कैटे काम, कैटे काम का संबंध किस कला से है साथियों? तो कैटे काम का जो संबंध है ये ईसाई कला से है। विश्व का सबसे बड़ा स्तूप कहाँ स्थित है? विश्व का सबसे बड़ा जो स्तूप है, स्तूप कहाँ पे है? भारत में, श्रीलंका में, जाओ में, अफगानिस्तान में? तो कहाँ पे हो जाएगा विश्व का सबसे बड़ा स्तूप साथियों? तो ये जावा, इंडोनेशिया, सुमात्रा द्वीप में। वर्ली लोक चित्रकारी का संबंध है, वर्ली, वर्ली लोक चित्रकारी का संबंध किससे है? जम्मू कश्मीर से है, महाराष्ट्र से है, गुजरात से है या असम से?
तो वर्ली, वर्ली एक जनजाति है, कहाँ की है वर्ली, और वर्ली एक स्थान में कहाँ पे है, तो ये मुंबई में वर्ली है, तो ये महाराष्ट्र से संबंधित है। सवाई जय सिंह द्वारा बनाया गया जंतर मंतर कहाँ है, जंतर मंतर जयपुर में, पटना में, हैदराबाद में या बड़ौदा में। सवाई जय सिंह द्वारा बनाया गया जंतर मंतर कहाँ है साथियों आपका, कहाँ पड़ता है, तो ये जयपुर में पड़ता है। विख्यात कोणार्क का सूर्य मंदिर किस प्रांत में है, विख्यात कोणार्क का सूर्य मंदिर जो है साथियों न कोणार्क है, कोणार्क का उड़ीसा पड़ता है, सूर्य मंदिर किस प्रांत में है, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, उड़ीसा, तो विख्यात कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ है, तो कहाँ हो जाएगा साथियों, ते उड़ीसा पड़ता है, उड़ीसा में है। वियतनाम को होमेज देने के इरादे से किसने एक बड़े मूर्तिशिल्प माँ और बच्चा का निर्माण किया था, माँ और बच्चा का निर्माण, वियतनाम को होमेज देने के इरादे से किसने बनाया था, बड़ी मूर्ति थी, सतीश गुजराल, सूजा, बेंद्रे या सोमनाथ हो, माँ और बच्चा, माँ और बच्चा किसके द्वारा यहाँ पे बनाए गए, इन चारों ऑप्शन को देखकर बताना है साथियों, तो ये सोमनाथ होर के द्वारा बनाई गई थी, माँ और बच्चा। बीरभूम प्रसिद्ध है, बीरभूम प्रसिद्ध है टाटा मोटर फैक्ट्री के लिए, टेराकोटा मंदिर के लिए, स्टील फैक्ट्री के लिए, जूट फैक्ट्री के लिए, तो बीरभूम, बीरभूम पश्चिम बंगाल में पड़ता है साथियों, तो बीरभूम किस लिए प्रसिद्ध है आपका यहाँ पे, तो बीरभूम जो प्रसिद्ध है टेराकोटा मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। मधुबनी किस राज्य की लोक कला है, मधुबनी, मधुबनी किस राज्य की एक लोक कला है, यह आपको बताना है, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, बिहार या पंजाब, तो मधुबनी, मधुबनी जितवारपुर कहाँ पड़ेगा, मधुबनी जितवारपुर कहाँ का है, तो ये बिहार की एक लोक कला है, मधुबनी जो है बिहार के जितवारपुर की है। जोधाबाई पत्नी थी अकबर की, जहांगीर की, शाहजहां की, औरंगजेब की, तो जोधाबाई, जोधाबाई किसकी पत्नी थी साथ यहाँ पे बताना है आपको चारों ऑप्शन देख के, तो जोधाबाई जो पत्नी थी अकबर की पत्नी थी, किसकी पत्नी थी, तो अकबर की। अगले प्रश्न करते हैं, शांत निकेतन किस राज्य में स्थित है, शांत निकेतन किस राज्य में स्थित है, राज्य आपको बताना है, पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब, शांत निकेतन, तो शांत निकेतन आपका कहाँ पड़ेगा साथियों, तो पश्चिम बंगाल में पड़ेगा। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है, नालंदा विश्वविद्यालय न किस राज्य में, राज्य बताना है, गुजरात, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, बिहार, तो नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ पे है, तो नालंदा जो विश्वविद्यालय आपका साथी इन चारों में से देख के आप सोचते हैं कहाँ पे है, तो ये बिहार में है, लेकिन जब आपसे तक्षशिला पूछे तो तक्षशिला जो है आपका ये कहाँ पे है, तक्षशिला तो ये पाकिस्तान में है, कहाँ पे है, पाकिस्तान में, ध्यान देना है। अगला है आपका, गोलकुंडा में कौन सी शैली फैली है, गोलकुंडा में कौन सी शैली फैली है, गोलकुंडा की बात कर रहा है ना, तो गोलकुंडा, गोलकुंडा में कौन सी शैली फैली, पाल शैली, पहाड़ी शैली, दक्षिणी शैली, दक्षिणी शैली या राजस्थानी शैली, तो गोलकुंडा, गोलकुंडा में देखा जाए तो साथियों दक्षिणी शैली फैली है, कौन सी शैली है, तो दक्षिणी शैली गोलकुंडा में। प्रसिद्ध साहित्यकार अमृतलाल के छोटे भाई थे, प्रसिद्ध साहित्यकार जो अमृतलाल हैं इनके छोटे भाई को पूछ रहा है, किसको पूछ रहा है, के छोटे भाई को, तो कौन थे, मदनलाल नागर थे, लक्ष्मी नागर थे, नारायण दत्त जोशी थे, क्षितिज नागर थे, तो कौन हो जाएंगे यहाँ पे साथियों, तो अमृतलाल नागर के जो छोटे भाई थे उनका नाम था मदनलाल नागर। सतीश गुजराल का जन्म कहाँ हुआ था, सतीश गुजराल का जन्म पूछ रहा है कहाँ हुआ, झेलम में, लाहौर में, कोलकाता में या मुंबई में, तो सतीश गुजराल का जन्म कहाँ हुआ था बताइए न, सतीश गुजराल का जो जन्म हुआ था अभिजात झेलम पंजाब यानी पाकिस्तान, झेलम पंजाब के पास यहाँ हुआ था, तो राइट आंसर ए बन जाएगा। कंदरिया महादेव का मंदिर कहाँ स्थित है, कंदरिया महादेव का मंदिर कहाँ स्थित, रामनगर में, नागौर में, छतरपुर में, कानपुर में, कंदरिया महादेव का मंदिर न, महादेव से संबंधित हो रहा है कि शिव, जो कंदरिया महादेव मंदिर है शिव, भगवान शिव को क्या है ये समर्पित है, तो कहाँ पे है, छतरपुर, छतरपुर कहाँ पड़ेगा आपका, मध्य प्रदेश में।
ना बाबर नामक का फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया? गुलबदन बेगम, सुलेम मिर्जा, मिर्जा हिंदाल, अब्दुल रहीम खान खाना। तो बाबर नामा का फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया था? तो कौन किए थे साथी? तो अब्दुल रहीम खान खाना। तो यहाँ राइट आंसर आपका डी बन जाएगा। कौन हो जाएगा? अब्दुल रहीम खान खाना। लिंगराज मंदिर कहाँ है? लिंगराज मंदिर कहाँ पे है? दिलवाड़ा माउंट आबू, ओसियाना, भुवनेश्वर, कांचीपुरम। लिंगराज मंदिर कहाँ है? तो लिंगराज मंदिर जो आपका पड़ेगा साथी, तो कहाँ पड़ेगा? उड़ीसा भुवनेश्वर में। ये सी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है द डिसेंट ऑफ गंगेस यानी गंगा उत्तरा नामक पत्थर पर कटी रिलीफ मूर्ति कहाँ है? महाबलीपुरम में, अजंता में, बनारस के समीप गंगा तट पर, सारनाथ, गंगोत्री में। तो कहाँ पे हो जाएगा साथियों? तो ये आपका महाबलीपुरम में पड़ेगा। पल्लव कला के अंतर्गत किन कला केंद्रों का विकास हुआ था? पल्लव कला के अंतर्गत कौन सी कला केंद्र का विकास हुआ? खजुराहो का, एलोरा का, महाबलीपुरम का या लिंगराज मंदिर का? पल्लव कला के अंतर्गत कौन सी कला आता है? तो कौन सी कला हो जाएगा साथियों? तो महाबलीपुरम। पल्लव कला के अंतर्गत महाबलीपुरम आता है। डॉक्टर श्याम बिहारी अग्रवाल की प्रसिद्ध पेंटिंग शकुंतला की विदाई किसकी? शकुंतला की विदाई किसके द्वारा बनाया गया? डॉक्टर श्याम बिहारी अग्रवाल के द्वारा बनाया गया है। क्या है? पेंटिंग है। तो किस संग्रह में है? इलाहाबाद संग्रहालय में है, राष्ट्रीय संग्रहालय में है, राज्य ललित कला अकादमी में है या निजी संग्रह में है? तो कहाँ पे है साथियों? शकुंतला की विदाई जो डॉक्टर श्याम बिहारी अग्रवाल द्वारा बनाया गया, तो इलाहाबाद संग्रहालय में है। कनिष्क की मूर्ति किस माध्यम में है? कनिष्क की जो मूर्ति है साथियों, कौन से माध्यम में बनाई गई है? टेराकोटा में, लाल बलुआ पत्थर में, शिष्ट में या ग्रेनाइट में? तो कनिष्क की जो मूर्ति है कनिष्क की साथियों, तो किस में बनाया गया है? तो लाल बलुआ पत्थर में। गांधार शैली मुख्यतः यूनानी है ना? गांधार शैली जो है मुख्यतः यूनानी है। तो चित्र शैली है, मूर्त शैली है, यवन शैली है या इनमें से कोई नहीं? तो गांधार शैली मुख्यतः क्या है? तो गांधार शैली का मुख्यतः देखा जाए मूर्त शैली है। 17 दिसंबर 2017 को नागजी पटेल का निधन हो गया। 17 दिसंबर 2017 को नागजी पटेल का निधन कहाँ हुआ था? इनकी मृत्यु कहाँ होती है? दिल्ली में, कोलकाता में, बड़ौदा में, जयपुर में? तो कहाँ पर होता है इनका निधन साथियों? नागजी पटेल का तो बड़ौदा में हुआ था। 17 दिसंबर 2017 को बड़ौदा कहाँ पड़ेगा? गुजरात में ना। आज का आखिरी लास्ट क्वेश्चन, किस चित्र में सृष्टि के सृजन यानी विनाश, जीवन तथा मरण का सजीव दृश्य दर्शाया गया है? तो नटराज नृत्य में, शिव नृत्य में, कामदेव नृत्य में या कृष्ण नृत्य में? तो कहाँ पर दिखाया जाता है साथ ही, जिसमें सृष्टि, विनाश, जीवन का आनंद, मरण, तो ये सब जो दिखाया जाता है तो नटराज नृत्य में, भगवान शंकर जी के जो तांडव नृत्य होता है उसी में दिखाया जाता है। तो ये रहे साथ आज के 45 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। उम्मीद है कि आप लोगों को सारे प्रश्न अच्छे समझ में आएंगे, और कमेंट करके बताना कि 45 क्वेश्चन में से आपका कितना क्वेश्चन आपका सही हुआ है ना। तो चलते हैं, देते हैं आपसे विदा। जब तक नेक्स्ट वीडियो लेके आपके बीच मिलेंगे, तब तक लिए बहुत बहुत धन्यवाद ना। वीडियो पे आप बने रहिए, वीडियो को देखते रहिए, अपनी तैयारी को मजबूत करते रहिए साथ, रिवीजन से ही सब कुछ संभव है। तो बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।